हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सुबह सुबह ही बैठ जाना पड़ता है काम पे, और बहुत सारा काम है तो आज रात भर ही काम करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना आप लोग, और सुबह सुबह सब लोग एक बार पढ़ते हैं। देखें गोलू जी यहाँ लैपटॉप पढ़ रहे हैं, और अभी अभी इनकी नौकरी लगी है पुराने वाले सॉफ्ट। चलिए मेरी चाय आ गई है गर्मा गर्म, मैं चाय पीता हूँ। ये क्या हो रहा है? कंबल पे कवर चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गंदा ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है ना मांगी चीजें का। मान लो गाड़ी 10 लाख का ले लें, धूल मिट्टी खाए, उसकी सफाई ना करें, तो गाड़ी तो 10 साल के या 2 साल भी नहीं चलेगी। वही हाल इसका भी है। मकान बनवा लो, केयर मत करो, वो भी जवाब दे देगा। और आंटी आज आपने मूवी देखी अंतिम, कैसी लगी आपको? बिल्कुल बकवास लगी। भाई की मूवी अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं। भाई की फैन नहीं है आप? नहीं है। तो ठीक है, आपसे कुट्टा। और माधुरी दीक्षित के फैन है, माधुरी की देखते हैं। माधुरी की तो मूवी नहीं आती अभी। नहीं आती, लेकिन पुराना आता है ना, वही देखते हैं। और तुम क्या बना रही हो आज? आज पापा का फिर से बर्थडे है ना, इसलिए कुछ बना रही हूँ मैं। दो बार बर्थडे? हाँ, दो। जब कुछ बना के खाने का मन करे तभी बोल दो कि बर्थडे है किसी न किसी का। नहीं, आज 17 तारीख है। पापा ने बोला था कि 17 को जो है ओरिजिनल बर्थडे है, लेकिन 13 लिखा हुआ था तो 13 को ही हम लोग मनाए। अब 17 को ऐसे ही खाना तो बन ही रहा। आइसक्रीम भी मंगा लेते हैं ठंड में। आइसक्रीम कौन खाता है? केक के बदले ये खा लेगा। पापा खा रहे हैं तो वो क्यों नहीं? अब थोड़ी पापा की तबीयत सही लग रही है। ये देखिए सो के उठ गए हैं पापा, दवाई खा रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, सर्दी खांसी, अब थोड़ा सा ही हुआ। आज ऑफिस नहीं गए पापा, अब देखते हैं थोड़ा रिकवरी हो जाए अच्छे से। आवाज बैठ गई है, थोड़ी सी आवाज भारी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ आलू का पराठा बन रहा है। तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मुझे हंसी आ रही है, इस वजह से मैं हंस रही हूँ। और दोस्तों वीडियो बनाना बहुत ही टफ है घर के अंदर। मैं इधर उधर सबके पास कैमरा लेके चला जा रहा हूँ, सब लोग नाराज हैं कि क्या वीडियो बना रहा है बार बार इधर उधर मुंह पे कैमरा लेके। घर में क्या चल रहा है ये कौन देखेगा? भागो यहाँ, भागो, भाग यहाँ से, भाग, लेके जा। सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग कैमरे पे आना भी है और उसके बाद जो है कुछ बोलना भी नहीं है। मैंने बताया कि YouTube पे आजकल यही चल रहा है, सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घर में क्या चल रहा है वही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग कोरोना में घूम फिर भी रहे हैं, वो लोग भी दिखा रहे हैं। अब यही आजकल कंटेंट चल रहा है कि घर में जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ मिडिल क्लास की कैसी चल रही है। यही हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसी को हम बताएं। हम लोग हाई फाई हैं। कौन करता है मिडिल है? मिडिल तो वो होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। हम अपने मकान आलीशान में रहते हैं। आलीशान से रहते हैं। भवन में रहते हैं। भवन भवन मतलब तीसरी चौथी मंजिल, बहुत बड़ा मकान। बगल में फार्म हाउस है। गाड़ी लगी है हमारी चार चार। कौन कहता है इसको कि मिडिल है? ये दोस्तों ऐसी ही सोच होनी चाहिए, हम लोग बहुत ही हाई क्लास हैं। बिल्कुल सिलेंडर चार चार रखे हैं अभी। वो जहाँ जाता है वही अपना चाय पानी बनाता, पीता, खाता है। हाई फाई वाले लोग तो गद्दा यूज ही नहीं करते। नहीं, गद्दा हमारे पलंग पे है, ये तो हम लोग ऐसे ही बैठाकर रखे हैं। सारी फैमिली हमारी दोपहर में इकट्ठा होती है, चाय पानी, नाश्ता, खाना पीना,
सब यहाँ करते हैं तो हम लोग नीचे नहीं बैठते हैं। आजकल हम लोग गुजराती फैशनेबल वाले हो गए हैं। गुजरात में लोग ऐसे ही एक जगह बैठ के खाते पीते हैं, तो हम भी खाते पीते हैं। वहाँ ओवन रखा है, वहाँ गर्म करते हैं, पटियाले हाई क्लास वालों के पास ऑडी बीएमडब्ल्यू और फ्रिज भी अपना रखे। ऑडी काहे को रखे, शान से अपना कैब करते हैं जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हाई क्लास वाले दो मिनट में कैब करते हैं और ऑल इंडिया घूम के आ जाते हैं। ऑल इंडिया कैब से घुमाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कह रहे हैं हाथ देके रिक्शा पर ना तेल भरवाने की जरूरत, ना उसको सफाई करने की जरूरत, ना चोरी का डर, कुछ भी नहीं। अपना मंगाते हैं बीएमडब्ल्यू से जाओ, चाहे कोई भी चीज से जाओ, फटाफट कैब करो और निकल लो। हाई क्लास के रूम में जो है पेंट ऐसे झड़ा नहीं होता जैसे वो पीछे झड़ा हुआ। वो देखिए वो दीवारें टूट रही हैं। वो तो यहाँ का पानी खराब है इसलिए। अच्छा, नमक है पानी तो नमक है पानी से दीवार का कर ले। और हाई क्लास, हाई क्लास के यहाँ तो ब्लोअर होता है घर के अंदर जो पूरे घर को गर्म करता है, सेंटर का है तो हमारे पास। और लोग लिफ्ट से जो है जाते हैं, वो ब्लोअर है अपना। और ये डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल हम कब का दान दे चुके हैं, एक ऊपर रखे हैं, उस पे खेलते हैं टेबल टेनिस। और ये होली पब्लिक का स्वेटर, होली पब्लिक का नहीं है, ये ब्लैंकेट है। दोस्तों यहाँ बहस हो ही गई है कि हम लोग हाई क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं, तो सबसे जो है सबकी राय ले लेते हैं कि कौन क्या समझ रहा है। चलिए सबसे पहले पापा के पास लेके चलता हूँ। हम लोग हाई क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं? लो मिडिल क्लास। क्यों? नौकरी कर रहे हैं वो भी प्राइवेट जॉब है, लो मिडिल क्लास है। तो नौकरी सभी जो करते हैं वो लो मिडिल क्लास में। तुम एसडीएम होते, डीएम होते तो मिडिल क्लास में आते, तुम आईएस तुम बन जाते, गोलू बन जाता, तो हम लोग मिडिल क्लास में रहते। और हाई क्लास वाले कौन होते हैं? हाई क्लास वाले कंपनी वाले होते हैं, जिनकी खुद की कंपनी है। हाँ, बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे घर में जैसे हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी खुद अपना चलाते हैं, लोग हाई क्लास हैं। चलिए दोस्तों, और देख ही रहे हैं कि हम लोग लो मिडिल क्लास हैं। पापा के हाथ में मच्छर मारने वाला रैकेट भी है, इसी से पता चल रहा है कि हम लोग खुद ही जो है मच्छर मार रहे हैं यहाँ अपना, तो लो मिडिल क्लास हो गए। चलिए, अब मम्मी ने तो बता ही दिया कि वो हाई मिडिल क्लास मानती हैं खुद को, अब बाकी लोगों से पूछते हैं। हाँ भाई बताओ, हम लो मिडिल क्लास हैं कि हाई मिडिल क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं? हाई मिडिल है, हाई। आपसे नहीं, आपका तो हो गया लो मिडिल क्लास। क्यों? क्यों नहीं? तो हाई मिडिल क्लास कौन होता है, हाई क्लास कौन हुआ? पता नहीं। तो लो क्यों माना? हाई इसलिए माना इसने। ये तो लो माना है, हाई कहाँ माना है। चलिए, तो ये रीजन तो बताओ क्यों। जिस स्टैंडर्ड में पापा होते हैं उसी स्टैंडर्ड में बच्चे भी होते हैं। पापा लो मिडिल में है तो इसलिए। तो बच्चा अब हो गया इतना बड़ा, तो अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगा उसके बारे में? हाँ, पापा लो मिडिल क्लास में, मैं तो लोअर क्लास में हूँ। मेरे पास तो ना घर है ना गाड़ी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो तुम लोअर मिडिल क्लास हो। मिडिल क्लास कैसे हो गया? लोअर क्लास है तुम। हाँ, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास मतलब? थर्ड क्लास मतलब बिल्कुल ही बेकार। हाँ, कुछ नहीं है मेरे पास। जैसी सोच वैसी मन की बात है। बताओ, तुम लो मिडिल क्लास हो, हाई मिडिल क्लास? मैं हाई क्लास हूँ, दिल से। नहीं, वैसे भी। और वैसे? ऐसे भी हूँ। अच्छा, तो क्यों हाई कैसे मान रही हो अपने आप को? दिल से हाई हूँ, ऐसे मिडिल हूँ। अच्छा, तो मतलब ऐसे मिडिल कैसे, मतलब रीजन तो बताओ। हाई क्लास किसको मानती है और लो क्लास कौन है, मिडिल क्लास कौन है? अब दिल से मिडिल हूँ तो यही तो सबसे बड़ी बात है ना। दिल से भी मिडिल हो और वैसे भी मिडिल? नहीं, दिल से हाई क्लास हो। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा मिडिल। तो क्यों?
क्यों? क्योंकि अभी और ग्रोथ होना बाकी है इसलिए। ग्रोथ तो क्या ग्रोथ, मतलब क्या हो जाएगा कि हाई में पहुंच जाओगे? अभी हमारे पास मार्सिडीज होगी, कार होगी, बड़े बड़े सारे शहर में एक एक बंगले होंगे अपने, तो ये सब होगा तब और भी ज्यादा होंगी ना। अभी बहुत सारे ड्रीम बाकी है। ओ, सारे शहर में तुम्हें एक बंगला चाहिए? हाँ, एक एक। और क्या करोगी, कहाँ रहोगी, कौन सा? जहाँ मन होगा वहाँ घूमूंगी, वहाँ पे रहूंगी, फिर अपने घर आऊंगी, फिर जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी। हाई वाले तो एक ही जगह कहीं रहते हैं, बाकी नाम होता है, हर जगह घूमती रहूंगी। और अभी लो इसलिए हो क्योंकि एक ही घर में रह रही हो। दोस्तों मम्मी से तो पूछ ही लिया है, मम्मी अपने आप को हाई क्लास मानती है। नहीं, हाई क्लास इसलिए हम आए कि सारे कामों के लिए तो नौकर चाकर रखे हैं, लेकिन खाना हम लोग अपने से खुद बनाते हैं, अच्छी वैरायटी में, साफ सफाई से बिल्कुल। कौन से काम के लिए नौकर चाकर? झाड़ू पोछा बर्तन सब के लिए रखे हैं। ओ, और क्या, बहुत अच्छा। दूसरे के हाथ का खाना हमें पसंद नहीं। दूसरे रख लेंगे ना नौकर वगैरह, लेकिन हम लोग खाना अपने हाथ का खाते हैं, जो जहाँ वही परेशान है वही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, हम तो लोअर हो गए, लोअर नहीं है ना, मिडिल है, हम हाई है, हमारा सोच हाई है। और हाई ही रहेंगे, किसी से कम थोड़े ना है, दुनिया में आए हैं, हर चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, उठाएंगे, हमें को अन्न है, फॉरेन ट्रिप पे लैब आ जाएंगे। अपना इंडिया कम थोड़े ना, सोने का चिड़िया है इंडिया। और नेपाल? नेपाल में ठंड है बहुत ज्यादा। मम्मी तो जाके नेपाल नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपना घर छोड़ के कौन जाता है। एक मेंबर यहाँ भी बैठा हुआ, इससे भी पूछ लेते हैं, हम लोग हाई क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं? मैं कि हम सब। तुम क्या मानती हो? सबके लिए कि अपने लिए? अपने लिए। मैं प्रिविलेज्ड स्ट्रगलर। प्रिविलेज्ड स्ट्रगलर नहीं, हाई क्लास की मिडिल क्लास। अभी मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ तो BPL। कमाने से लोग हाई फाई नहीं होते। बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी वाले तो रोड पे पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी पापा मेरे अमीर हैं। अच्छा, तो मतलब लो क्लास में हो। प्रिविलेज्ड स्ट्रगलर, जैसे ही मेरा पीजी निकलेगा मैं मिडिल क्लास में आ जाऊंगा। पीजी निकलने के बाद भले ही नौकरी ना लगे, पीजी में सैलरी मिलती है। कितने? 30-40 हजार तो मिल ही जाएगी। दोस्तों तो सबका फीडबैक, सबके व्यू आप लोगों ने जान ही लिया, और मेरा फीडबैक और मेरे व्यू जो है आप लोग बताइए। आप लोगों ने तो पूरा YouTube पे देखा ही हमें, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने घर की सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सबसे बात करी हुई है, और सब लोगों के वीडियो अगर आप देख ही रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर ही रहे होंगे, तो आप बताइए कि हम लोग हाई क्लास कहेंगे कि लो क्लास, कि मिडिल क्लास, कि BPL, कैसे, मतलब कोई जस्टिफाई करता है कि कौन से क्लास में है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग वीडियो देखने से आपको क्या फील होता है कि कौन से क्लास में है हम लोग। चलिए फिर, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई है, डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।